वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित्ता नंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदवन मनोहर वाछाकूश कृपा सिन्दुव पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी यकी तमहंगे परमाधव तुलसीदे तुलसीदेव पिया वै स्न भक्ति पदे देवी सत्व नमो नमः নারায়ণ নমস্কৃত নর নোতম দেবী সরস্বতিং বাস ততো জোরে সংকীর্নে কৃষ্ণ কথোপদেশ গৌরীভদ্রসকা গুর্ভোক্ত ভক্তি প্রমোদাশজগোবর ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरुञ्चनुतं शरण्यं वेत्तातिहं पनुतबाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुष महापुरुषते चरणार्विन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधुष्वदर्श सार ससागर सारूर्ति साराधिकाय कदम कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुने नंद श्रीअद्वत गाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनेैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকু संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्बन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च ददासि नित्यं भावानुरूपेन् सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरान्सिपुरपति भज विशनाथम् बागी बागजश्वदने लक्ष्मीजस्वसी यसते हृदय त्वं षृंगमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम রাম রাম হরে হরে যে শাস্তি ভক্তির ভগবতী কিঞ্চনা সর্বগুণৈস্তত্র સમાসতি ইসরা হরো অবক্তস্য কুতো মহদ্গুণ মনোরথীন অসত ধবতো বৈ

अगर कोई दावा करे मेरा स्वतंत्र भाव रहेगा इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है गौरी गोष्ठी श्री इस भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को समिट अगर पहुँचा जगत गुरु जी ने बताए अगर कोई ऐसा कहे कि मेरा स्वतंत्रता तो रहेगा प्रपात कह रहे हैं इसका साथ मोई मेरा कोई संबंध नहीं है जो अपना स्वतंत्रता को कायम रखते हुए गुरुचरण में आश्रय लेने का बहाना बनाता है इसका साथ मेरा कोई संबंध नहीं कोई संबंध कोई नाता नहीं है मैं क्या करूं जो अपना मंगल का पूरा जुमा मेरा हाथ में देने के लिए तैयार है इनके लिए मैं हूँ जिन्होंने अपना मंगल का पूरा जुमा हमारा हाथ में दे दिया तुम्हारा कैसे मंगल होगा कैसे अमंगल होगा ये मेरा जुमा है अब आपका कोई ऐसा अगर विश्वास नहीं है तो इस तरह का जो दीक्षा है जो यूजलेस ऑलमोस्ट यूजलेस इस तरह का दीक्षा के द्वारा कभी भी भागवत सेवा में कोई अधिकार नहीं मिलता है इस तरह के सेवा के इस तरह का दीक्षा के द्वारा वो कह रहे हैं कभी भी भगवत सेवा में कोई अधिकार नहीं मिलता तो फिर क्या होगा कुछ तो होगा और हाँ कुछ होगा सुकृति पैदा होगा कुछ सुकृति पैदा होगा वो भी गारंटी नहीं है वो सुकृति भगवान सुकृति की त्यागन भगवन सुकृति और भक्तिमूल सुकृति ये भी गारंटी नहीं है पोपाद ने अक्सर कहते थे जिन लोगों का जिंदगी में विश्वास नहीं हो अभी तक हुआ नहीं जो हरि कथा और हरी, हरी अभिन्न है जिन लोगों का जिंदगी में अभी तक ये विश्वास नहीं पैदा हुआ जो हरि कथा एंड हरी हरि कथा और हरी अभिन्न है ऑफ कोर्स टोपात कहते थे यू विल हैव टू हियर फ्रॉम ए लिविंग सोर्स एक आचरणशील साधु से सुनना है बाजार का कथा सुनने से कभी मंगल नहीं हो सकता बाजार का कथा कुनने से कोई मंगल नहीं हो सकता इसमें कोई प्राण नहीं है लाइफ नहीं है लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता है बट हु मैन केयर टू हियर योर लेक्चर वी हैव नो टाइम टू अटेंड योर लेक्चर आपका भाषण सुनने के लिए मेरा पास कोई टाइम नहीं है आपका कोई अगर डायरेक्ट रियलाइजेशन है तो ये बताओ गुरुपाद पद्मों ने जो डायरेक्ट रियलाइजेशन मेरा हृदय में भर दिया है ए रियलाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर करने का इच्छा जरूर है आई एम नॉट ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नाइस पीस ऑफ लेक्चर फ्रॉम मी और आई एम नॉट ए लैंग्वेजिस्ट यू कैन नॉट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट नाइस नाइस लैंग्वेज फ्रॉम मी आई एम नॉट ए मेटेरियल फिलोसोफर सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी आपसे आपसे ये विनती है जब आप बताओ आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या आशा रखते हो ये कथा का क्या वैल्यू है क्या आशा रखते हो अगर आप कहो यह परमश गुरुदेव का पास आपने जो सीखा है जो अनुभव किया है शौक तो पंथा में जो रियलाइजेशन गुरु जी ने दिया है ये अनुभव का बंटवारा करो सबको के साथ शेयर करो तो ठीक है इसमें कोई इतराज नहीं है पौपत कहते थे अक्सर जहाँ तहां आपका कान को हियरिंग ऑर्गन को देने से कोई फ़ायदा नहीं है गिर जाओगे जहाँ तहां आपका हियरिंग ऑर्गन को आप ले जाओगे तो आपको धोखा मिल सकता है प्रोपा जी कह रहे हैं तो कहाँ जाए हम लोग हम लोग कहाँ जाए हरिकाता सुनने कहाँ जाए पोपात कह रहे हैं एटलीस्ट कम से कम जहाँ नाम अपराध का कीर्तन ना हुआ होगा ना होता होगा वहां जाओ कम से कम कम से कम जहां नाम अपराध का कीर्तन नहीं हो रहा है नामाभास हो रहा है ठीक है चलो लेकिन ये भी जरूरी नहीं है जरूरी है एक लिविंग सोर्स से कथा सुनना ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन और प्राकृत शब्द ब्रह्मों हमको किसी से मतलब नहीं है अपराकृत शब्द ब्रह्म हमको सुनना है हमारा ये भजन जिंदगी में अगर अप अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का अनुशीलन हमारा ये जिंदगी में अगर अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का अनुशीलन करते समय बीच में कोई मेटेरियल शब्दों का अनुशीलन हो गया then I am going to रन आई एम गोइंग टू रन ए रिक्स अगर हमारा जिंदगी में एक सिद्ध महात्मा हमारा जो परंपरा में महा महापुरुष लोग है वो लोग को क्या विशेष है जिनके आज आविर्भाव तिथि है उसका बारे में कह रहा हूँ क्या विशेष है कि ये लोगों ने अपना जीवन जिंदगी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का दिखाया हुआ भगवान संकीर्तन पिता की दिखाया हुआ संकीर्तन यज्ञ में अपना जीवन जिंदगी निछावर कर दिया ये स्पेशलिटी है ये मेरा मापिक नहीं है कि ठीक है चलो आधा घंटा कीर्तन कर लिया वो भी मेटेरियल तो भाव आना मुश्किल है इसके बाद फिर बैठ जाए जरो शब्द का अनुशीलन करने के लिए ऐसा अगर चलते रहे तो हो गया छुट्टी अपराकित तो गुरुदेव का ये पहला शिक्षा है जे कैसे आप आपको एंगेज करोगे ट्वेंटी फोर आवर्स अपराकित तो शब्द ब्रह्म के अनुशीलन में ये सबसे बड़ा विचार है सबसे बड़ा विचार ये है जहाँ तो शब्द ब्रह्म का कोई अनुशीलन का कोई क्वेश्चन नहीं है चाहे वो मठ मंदिर है बाहरी दृष्टि में वहाँ रहना जरूरी नहीं है न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा नौ साधव भगवता तदाश्रया नत्रो यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोक उपी नौ वैश्यताम नजत्र वैकुंठ कथा हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है किसी से कोई लेना देना नहीं हमारा लेना देना है हमारा गुरु परंपरा से तो पंथा से हमारा मतलब है ऑल द ट्वेंटी फोर आवर्स बहुपात कहते हैं गुरु तो वो है जो चौबीसों में चौबीसों घंटा भगवान भगवत सेवा में लगे हुए रहते हैं हर वक़्त शब्दे परे च निष्नात ब्रह्मणि उपसमाश्रम तस्प्रब्धे तो जिज्ञासुश्रेय उत्तम शब्द परे च निष्नात ब्रह्मणि उपसभाश्रम ध्यान दे इस बात को शब्दो, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म जब भी ब्रह्म ये सर्व शब्दब्रह्म परब्रह्म अलग नहीं है फिर भी शब्द ब्रह्म मतलब है जो सिद्धांत तो विचार आदि जिसके अनुशीलन के द्वारा मैं सेवा का भाव समझ पाऊं सिद्धांत तो और सेवा में क्या फर्क है सिद्धांत तो सेवा ऑलमोस्ट सेम थिंग सिद्धांतों और सेवा में कोई फर्क नहीं है बोले फर्क नहीं है कैसे बोले हाँ जब हमारा सिद्धांत तो भी पढ़ हमारा सिद्धांत इन अप्लाइड फॉर्म आएगा वो सेवा का रूप धारण करे और सेवा का एक्सप्लेनेशन करने जाए वो सिद्धांत तो है सेवा और सिद्धांतों में ज्यादातर तो कोई फर्क नहीं है ऑल सिद्धांत तो बिचा जो कुछ भी है वेन आई कैन गेट इन अप्लाइड फॉर्म इसका नाम है सेवा जिनको सिद्धांत ज्ञान तो नहीं है वो सेवा कर रहे हैं ये मूरख का बात है ये मूरख है उस दिन कह रहा था ना महाराज ये बड़ा भक्ति है लेकिन उसका ज्यादा सो सिद्धांत ज्ञान तो नहीं है पूर्व सरास सर गलत सरअसर गलत है धोखाबाजी सिद्धांत तो विचारन भक्ति एक चीज है सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहां हुई थे कृष्ण रागे सुदीर मानस सिद्धांत तो बोल के कोई आलसी करोगे राम भजन का आलसी भोजन का होशियार भोजन मतलब टीवी देख रहा है आंखों से आंखों का भोजन हो रहा है कानों का भोजन हो रहा है तरह तरह का भोजन चल रहा है समाज में कौन किसका खबर लेने जा रहा है कितना बजे उठ रहा है नीत खोलता है कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। वी नेवर वॉन्ट टू बी कंट्रोल बाय गुरु वैष्णव भजन इतना सस्ता नहीं है भजन इतना सस्ता नहीं है हम चीट करने नहीं बैठे वी वॉन्ट बी कंट्रोल बाई माया यह हकीकत है जब हमारा जिंदगी का एक एक श्वास एक एक श्वास गुरु जी का इशारा पस चलेगा जब हमारा एक एक एक्शन एक जो क्यों कुछ भी है हमारा हर सांस गुरु जी का इशारा पे चलेगा प्रोपात जी का इशारा पे चलेगा तब सोचो कि कुछ होने जा रहा है भगवान इतना सस्ता नहीं है माल मार लो और भजन कर लो ऐसा सस्ता चीज नहीं है मिलावटी चीज नहीं है पोपाद पोपाद मजा करके कहते थे भगवान मेरा जिंदगी में आओ देखो साहजिया के कितना पोपात कितना बात बताया कैसा को सिमाज पोपात नाटक कर रहा है भजन का और रो रहा है ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी दर्शन दे दो हाँ दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बैठा हुआ है तेरा नौकर है ना बैठा हुआ है दर्शन दे देगा और कैसा अपील कर रहा है ठाकुर जी मेरे को दर्शन दे दो दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता अच्छा इसका बात कह रहे हैं कि थोड़ा माया मिलावटी करके आ जाओ क्योंकि अगर माया का मिश्रण नहीं रहे तो दे आम हमारे लिए संभव नहीं वो बात मजे मजे में आकर कह रहे हैं ठाकुर जी आओ मेरा ज़िंदगी में गुरु वैष्णव मेरा ज़िंदगी में आओ थोड़ा माया मिलावटी करके आओ जैसे कॉफ़ी का अंदर में थोड़ा शक्कर मिला दो थोड़ा माया मिलावटी करके आ जाओ ऐसा संभव नहीं है जहां मिलावटी है तहाँ भगवान नहीं है गुरु विश्रम नहीं है ऐसा सस्ता नहीं है जो कहते कि मेरा स्वतंत्रता रहेगा फिर हम दिखा लेंगे उल्लू का पट्टा ऐसा दिखा थोड़ी होता है आई कैन रिजर्व ऑल माई पर्सनल इंटरेस्ट ऑल माईजल माइंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम आई हैव टेकन दिखा कैसा बातें हैं है? कर लो बात ऐसा होता नहीं कभी भी होता नहीं अरे गुरु जी तो स्पिरिचुअल मैटर में कोई एडवाइस दे, देता गुरुजी जी स्पिरिचुअल मैटर में एडवाइस दे दे गुरुजी का लीगल मैटर में तो कोई अधिकार नहीं है तो कैसे हम करें फिनेंशियल विषय में गाधा है गुरु तत्व तो तो के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है गुरु तत्व तो तो के बारे में कोई कोई कॉमन सेंस ही नहीं है हमारा परम विजय केशव कहते थे लीगल कॉमन सेंस सोशल कॉमन सेंस तरह तरह का कॉमन सेंस होता है ये कॉमन सेंस ही नहीं है गुरु तत्व तो ऐसा चीज नहीं है जब स्पिरिचुअल मैटर में गुरु जी को ऊपर भरोसा करूँ फिनेशियल फिनेंशियल स्पिनेंच्या, मैटर में गुरु जी क्या करे कोई एक्सपीरियंस है ये गुरुदर्शन नहीं है इसका नाम गुरुदर्शन नहीं है और जब तक गुरुदर्शन नहीं है तब तक भजन भी नहीं है भजन नहीं मैं भजन का शुरुआत नहीं है जब तक गुरुदर्शन ही नहीं हुआ जब तक गुरु दर्शन ही नहीं हुआ तब तक भजन का कोई सवाल ही नहीं है खाओ गांजा चरस लगा के बैठ जाओ भजन में देखो कैसा होता है सब मजा कर रहा है ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता थोड़ी होता है ऐसे पोपात कहते थे जब किसी का जिंदगी में ऐसा विश्वास न हो जाए जे गुरु जी का प्रवचन भगवान का बारे में और भगवान अभिन्न है गुरु जी ने जो हरिनाम दिया है मेरे को गुरु जी ने जो जो मंत्र दिया है मेरे को ये साक्षात भगवान है ऐसा अगर अनुभव ना हो तो इसका दीक्षा फजूल है बेकार जो मंत्र गुरु से मिला है बोलने वाला कोई नहीं है खाओ पियो जियो बोलने वाला कोई नहीं है कौन बोलेगा सब अपना अपना सब धुन में चल रहा है अपने धुन में रहता हूं गुरु जी का पास से जो महामंत्र मिला है गुरु जी का पास से जो दीक्षा मंत्र मिला है अष्टोदर आदि ये सब जो मंत्र मिला है गौर मंत्र गौर गायत्री क्या ये सब का बारे में गुरु जी कुछ बोला है कुछ सुना है ये मंत्र और मंत्र देवता आइडेंटिकल वन एंड द सेम अगर गौर मंत्र करूं तो हमको देखना चाहिए गौर है सामने अगर नहीं दिखता है अगर बॉम्बे दिल्ली दिख रहा है लेडी लब दिख रहा है तो हो गया छुट्टी तरह तरह का काम बासना हृदय में अनर्थ भरपूर है भरपूर अनर्थ लेके मैं भजन के लिए बड़ा कोशिश कर रहा हूं असंभव है मंत्र और मंत्र देवता एक है जब तक मंत्र जबते जबते मंत्र देवता देवता का साक्षात्कार ना हो जाए ऐसा माफिक कोई आचार्य जो अगर है उसको प्रीचिंग में नहीं जाना है उसको दीक्षा देना नहीं चाहिए जो मंत्र अपना जिंदगी में सिद्ध नहीं हो पाया जो था मेरा जिंदगी में खुद सिद्ध नहीं हो पाया हाउ आई कैन पास लेक्चर टू यू मेरा लेक्चर देने का कौन अधिकार दिया है मेरा तो अधिकार नहीं है गुरु जी ने सावधान कर दिया कभी लेक्चर मत दो लेक्चर देने का कोशिश मत करो कभी कभी लेक्चर मत दो लेक्चर और हरिकथा एक चीज नहीं है लेक्चर हरिकथा कुछ एक चीज नहीं है हरिकथा मीन भगवान स्वयं उपस्थित है मतभक्त जत्रुगायंती तत्वतिष्ठा मिनारधा ये भगवान का कमिटमेंट है मेरा प्यारा भक्त जहां हरिकथा बोलते रहते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूँ हरिकथा कीर्तन वहां मैं उपस्थित रहता हूं नारद मैं वहां उपस्थित रहता हूं अच्छा अभी कहने का मतलब है ये जो हमारा हरिकीर्तन हरिका था कितना डिग्रेडेशन हो गया डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी टोटल गिरते जा रहा है संभालने वाला कोई नहीं है अगर गुरु वैष्णव कुछ दिन पहले भी बामन गुस्से माँ आदि थे अरे कौन मानने वाला है कौन मानने वाला है मैंने एक सन्यासी को बोलते सुना हालदार बगान में बहुत दिन पहले मेरे को टेन पकड़ना था और रात को टेन है और साढ़े सात बजे आरती का बाद आरुती साढ़े साढ़े सात आठ बजे शिला महाराज जी असुस्थ लीला कर रहा है और घर से निकल के बाहर जा रहा है और सेवक महाराज जी को लेके एक महापुरुष का भाव समझना मुश्किल है वो लेके घर में जा रहा है और एक सन्यासी कमेंट कर रहा है देखो उम्र होने से क्या होता है उम्र होने से क्या होता है हाय 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 हम बोले ये इसका गुरु इसका गुरुदर्शन हुआ इसका दीक्षा हुआ ये लेक्चर देता है हमारा सामने बोला हम ज़्यादा उत्तर नहीं दिए क्या बोले ये गुरु दर्शन है गुरु जी असुस्थ लीला कर रहे देखो उम्र होने से क्या होता है मतलब गुरु जी में दोष दर्शन हो रहा है हरि कथा हरि कीर्तन अगर हरि का साथ सेम नहीं है तो ये हरि कथा का, का कोई कीमत नहीं है ये हरि कथा का, का कोई कीमत नहीं है अगर सही जगह से राइट सोर्स अप्राकृत सोर्स से हरिकथा सुनते रहे बीट श्योर यह हरिकथा कीर्तन जो है यह हरिकथा कीर्तन हमको भगवत दर्शन कराएगा हरिकथा कीर्तन जो गुरु जी से पोपा जी से सुनते आ रहा हूं ये हरिकथा कीर्तन कैन हेल्प मी टू मीट विद द सुप्रीम लॉर्ड ये मेरा हरिकथा कीर्तन अपराकृत जगत का जो हरि कथा है आप अपराकित जगत का हरिकथा मैं कसम से कह रहा हूं वैसासन में बैठ के ये मेरा अपराकित जगत का हरिकथा मेरे को भगवान भगवान का साथ साक्षात्कार करा दे करा देने में समर्थ है तो ये हरि कथा श्रीला सच्चिदानंद भक्ति कहते थे वैकुंठ जगतेर पार्षदगण छा वैकुंठ जगतेर वार्ताबह साधुगण छारा हरी कथा केहे ही बोली थे भरे ना भक्ति में कहते थे वैकुंठ जगत का साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है मेमोरी बहुत अच्छा है लिखना जानता है बोलना जानता है बट खुद का मंगल नहीं कर सकता दूसरे का मंगल कर सकता है पर खुद का मंगल करना संभव नहीं उल्टा रस्ता में चल रहा भक्तमो ठाकुर जी ने कहा वैकुंठ जगत का साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है बैकुंठ जगतीय दूध गौंछारा हरि कथा के ही बोली तो पारे ना नोबडी कैन स्पीक हरिकथा इफ ही हैज नो कनेक्शन विद द ट्रांस वर्ल्ड अपराकी जगत का साथ हरिनाम हरिकथा कीर्तन बीर्जपति हरिकथा कीर्तन नाम, नाम भगवान के साथ अभिन्न है सिर्फ इतना ही नहीं अपरागिक जगत का जो हरिकथा कीर्तन है ये साधन नहीं है साधन तो है ही है लेकिन स्वयं साध्य है बद्ध अवस्था में मैं अंग्रेजी कथा में चर्चा कर रहा था साधन क्रिया और साधन भक्ति दोनों में जो कन्फ्यूजन है पौपत कह रहे हैं दुनिया भर का लफड़ाबाजी दुनिया भर का लफड़ाबाजी इसी बात है पिवोटेड ऑन दिस सिंगल पॉइंट इडियट वो बात कह रहे हैं दुनिया भर का लफड़ाबाजी एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है वो क्या है ये मिसअंडरस्टैंडिंग ए मिसअंडरस्टैंडिंग भजन क्रिया और साधन भक्ति दोनों में कोई कंसेप्शन नहीं है कॉमन सेंस नहीं है लपड़ाबाजी दुनिया भर का लपड़ाबाजी स्पाइन में धोखाबाजी चल रहा जो साधन क्रिया है जो साधन क्रिया है इट इज इट इज नथिंग बाय प्रमिनरी एफर्ट प्राइमरी इफर्ट ये चेष्टा चल रहा है इंद्रियों के द्वारा गुरु वैष्णव का अनुगत्व में अनुगत्व तो है नहीं और ठीक है कर रहा है मनमानी नम कर रहा है कीर्तन कर है? सब कर रहा है ये भजन क्रिया ये भजन ये साधन क्रिया साधन बकरी का सधनक क्रिया ध्यान दे इस बात पर ये सधनक क्रिया हैज नो इफेक्ट ऑन आत्मा आई बात समझ में ये सदनक क्रिया जो है ये सदनक क्रिया का कोई इन्फ्लुएंस आत्मा को ऊपर नहीं पड़ रहा है जीवात्मा को ऊपर वायरस साधन भक्ति का क्रिया आत्मा का बिकॉज भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर शोल और ये जो साधन भक्ति जब उठते उठते एकदम एकदम इतना लेवल ऐसा लेवल में जाए जहाँ अन्नाभिलासित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति ये उत्तम भक्ति हो जाए कभी इस बारे में हम चर्चा करने की इच्छा रखते हुए कभी इस विषय पर चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आगे बढ़ते चले क्योंकि महाराज जी का जिंदगी एक आश्चर्य जिंदगी है ये सब महापुरुष जो है प्रभुपात का पार्षद है ये सब महापुरुष जो है प्रोपात जी का पार्षद है पार्षद और जनरल भक्तों में क्या पार्थक्य है पार्षद मतलब किसका पार्षद अगर गौरंग महापो का पार्षद तो गौरंग महाप्रभ के साथ साक्षात अभिगमन होगा अगर पोपाद का पार्षद है पोपाद का साथ उसका अभिगमन होगा तमाम दुनिया का आदमी हरिनाम दीक्षा ले लिया महाराज पार्षद है पोपथ का कौन बोला किसने बोला किसने बोला झूठ जूट, झूठा प्रवोचन किसने दिया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेनो भूतले के भूतले केनो जेनो जिनके द्वारा पात का मनोविष्ट पूर्ति हुआ है वो पार्षद है बाकी पार्षद नहीं है बाकी पार्षद नहीं है झूठा बात गुरु जी का अगर मनोविष्ट मैं पूर्ति करने में समर्थ हूं तो ठाकुर जी कहेगा कि मैं गुरु जी का कौन हूं अगर मैं गुरु जी का आचरण आदर्श सिद्धांत विचार कुछ मेरा जीवन जिंदगी में जीवन जिंदगी में रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाया तो मैं सिग्नल तो मैं स्निग्धो शिष्य नहीं हूँ स्निग्धो सिष्य स्व गुरु वो गुजो म उठो भागवत जी महाप्राण ये धोखाबाजी है चाहे आचार्यों का आसन में बैठे कुछ भी लेक्चर दे दे असली सिम्टम यह है जे गुरु जी का आचार आदर्शो हमारा जिंदगी में आया कि नहीं गुरु जी का आचार आदर्शों सिद्धांत विचार जो कुछ भी है टोटली रिफ्लेक्टेड इन माई लाइफ और नॉट हमारा जिंदगी में आया कि नहीं इसका ऊपर डिपेंड करके यू कैन पास रिमार्क कौन किसका वास्तव शिष्य है स्निग्ध शिष्य है कि नहीं शिला भक्ति विवेक भारती को से महाराज इतना बड़ा भक्त है इतना बड़ा महापुरुष इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है जिन्होंने पोपा जी का मन पूर्ति के लिए आवा अपना जीवन जिंदगी दे दिया कहाँ तक कहे समय कहाँ है महाराज जी वर्तमान बांग्लादेश में पैदा हुआ वर्तमान दैट टाइम अनडिवाइडेड इंडिया तो सवाल ही नहीं कि बांग्लादेश से तो अकाल हुआ बचपन में पिताजी चला गया बड़ा अभाव फिनेंशियल क्राइसिस फिर भी अपना लड़ाई करके पढ़ा सुना पढ़ा लिखा पढ़ाई लिखाई किया जबरदस्त पढ़ाई लिखाई किया ज़्यादा नहीं पर पाया जितना किया तो इसके बाद नौकरी चाकरी का सवाल है क्योंकि संसार को सपोर्ट करना है अब उन जमाने में उन जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जितना छोटा छोटा लड़का है लड़की है सोलह साल अठारह साल लड़की का उम्र है बारह साल शादी करा दो पहले ज़माने का अब महाराज जी का शादी करा दिया जोर जबरसी माता जी ने शादी करा दिया क्या करे नौकरी चाकरी भी किया लेकिन पोपा जी का हरिकथा पोपा जी का बारे में सुना है पोपा जी का हरिकथा कीर्तन का इतना प्रभाव है हाउ यू कैन रियलाइज दैट इज हरी कथा कैसे आप समझोगे ये हरी कथा है देखोगे हरिकथा जब चलते रहेगा यू कैन फील सम मैग्नेटिक जस्ट लाइक मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक धक्का लगेगा हृदय में तब आप सोचोगे कि असली हरिकथा हो रहा है शब्द ब्रह्मो एक एक शब्द जाके एक हृदय में हमारा इतना जोर से लात लगाता है लात लगाता है सिलोर के सरबाजी बाजी महाराज कहते थे हमारे दुष्ट मन हमारा ये विकेट माइंड हमारे दुष्ट मन को हमारे दुष्ट मन को शासन करने के लिए सुबह में उठकर चप्पल उतारो और मुंह में मारो ऐसा ऐसा करके चप्पल लगाओ फिर भी ये मन का संशोधन होना संभव कि नहीं आप जानो मैं अभी बैठा हुआ हूं महाराज जी का चरण में पुष्पांजलि देने के लिए बाघ पुष्पांजलि मेरा गुरुपाद पद्म परम केशव कश्य महाराज अभिन्न गुरुपाद पद्म आज मेरा गुरु जी का आविर्भाव है भक्ति भी भक्ति विवेक भारती कश्यू महाराज परम विजय केशव कश्य महाराज कहते थे जोगोते रहो जौतो जो फूलो कोबू नामो ना तुलो यू कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लावर फ्रॉम मार्केट यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट बहुत सारे पैसा है जेब में जाओ खरीद के लाओ बाजार से फूल माला सब ले आओ और धक्का मुक्की लगा कर गुरु जी का चरण में दे दो मैंने पहले पुष्पांजलि दिया अच्छा किया गौड़ी जगत में ऐसा हमारा माफिक बुर्बक नहीं है हम समझाई नहीं पुष्पांजलि क्या है हमने समझाई नहीं पुष्पांजलि क्या चीज है पुष्पांजलि क्या चीज है समझा भी क्या समझा बताओ क्या समझा पुष्पांजलि का मतलब क्या है शुमन सुमन मतलब फ्लावर सुमन मतलब प्योर माइंड पवित्र मन को गुरुजी का चरण में पुष्पांजलि के रूप में दे दो अपना मन को दे दो अपना मन को दे दो पैसा नहीं चाहिए हमको पैसा अपना पास रख लो मन देने के लिए तैयार है तो दे दो एक महान पुरुष एक महान वैष्णव एक महान गुरु कभी शंखा देखते नहीं अंग्रेजी में कहावत है क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परजिस्ट टुगेदर।" अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी नहीं मिलेगी अगर क्वांटिटी चाहिए क्वालिटी नहीं मिलेगी कॉम्प्रोमाइज करने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परस टुगेदर सावधान हो जाओ एक महान गुरु वैष्णव एक महापुरुष गुरुजी कभी देखता नहीं कितना हजार मेरा शिष्य बना है मेरा कितना हजार शिष्य बना ये देखता नहीं ये बनाने के लिए तैयार नहीं है नहीं हम दिखता नहीं नहीं जा एक महान गुरु वैष्णव कभी भी देखता नहीं शंखा इज नॉट गोइंग टू वॉच नंबर हर वगत देखते रहते हैं ऐ जीवात्मा मेरा पास आया है ये जो जीवात्मा मेरा पास आया है आत्मसमर्पण करने के लिए आत्मसम्पर्क करने के लिए आया है न दीक्षा कर शिष्य करे आत्मसम्पर्क कहाँ आत्मसमर्पण दिखाओ कहाँ आत्मसमर्पण कहा है अरे मारे मैंने बहुत गुरु सेवा किया हा, तो देख रहा हूँ ना गुरु सेवा तो किया है ना उसी का नतीजा देख रहा हूं गुरु सेवा का नतीजा देख रहा हूं ना तो अभी पेंशन ले रहे हो अब मैं आप पेंशन होल्डर हूं अरे गुरु जी का सेवा बहुत किया है जानते हो आप अब कुछ देखे ही नहीं हाँ इसीलिए तो पेंशन ले रहा हूं ना, ना। आई एम मैं पेंशन होल्डर गुरु जी का जेब काटके पेंशन ले रहा हूं यह मेरा सेवा का इतिहास ये मेरा सेवा का इतिहास है कहां तक कहूं एक सदगुरु चरण में जब कोई किसी बंदा वास्तव शरणगत होने के लिए आ रहा है देखा कल शिष्य करे आत्मसमर्पण माइंड इट अगर नहीं हो पाए ओके हो सकता है कि एट्टी परसेंट हुआ है बाकी ट्वेंटी परसेंट गैपिंग है ये ट्वेंटी परसेंट गुरु जी साथ जो गैपिंग है ये गैपिंग का डेफिसिट रह जाएगा जब तक इसको मेकअप ना दे कभी कभी बामन महाराज जैसा महापुरुष है इन लोगों का दिखाया है दिखा का टाइम में हंड्रेड परसेंट सरम अभी भी होता है कभी कभी किसी का एट्टी परसेंट होता है ठीक है गुरु सेवा करते करते बाकी जो ट्वेंटी परसेंट गैपिंग है यू विल हैव टू मेक अप नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे दुनिया भर का माला पहनोगे और अपना चरण को आगे बढ़ा दोगे पूजा करो मेरे को यही होगा और कुछ नहीं है फायदा कुछ नहीं है सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी आपने मेरा क्या नुकसान किया कुछ किया है? अपना नुकसान कर रहा है इट इज कॉल्ड सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी आपने आप को धोखा में डाल रहे हो मेरा क्या नुकसान किया कथा बंद कर दो चलो कोई क्या फायदा है हमारा कुछ लेना देना नहीं है मेरा मकसद है गुरु जी का पोहपात का सेवा करो बस हम तो घर का है अब बैठा दो तो बोले धक्का लगा दो चचे ले जाए घर का पंडित एक महान पुरुष हर वगत देखते हैं कि मेरा सामने जो आया हुआ है जीवात्मा हमारा अनुगत में भजन कर रहा है इसका हृदय कमल इनके हृदय कमल कितना परिस्फुटित हुआ है मेरा सामने जो आया है दीक्षा लेने के लिए सेवा करने मेरा अनुगत्व में इनके जो हृदय कमल कितना परिस्फुटित हुआ है ताकि मैं यु पुष्प को एक कमल को लेकर चंदन मिलाकर ठाकुर जी के ठाकुर जी ये जीवात्मा मिला है मैं पुष्पांजलि दे रहा हूं आपका चरण में आप ले लो स्वीकार करो इसी का नाम है गुरु ध्यान दे इसी को बोलता है गुरु छागल कुत्ता का मां भी हजारों हजारों बना दे आ ले ले, ले दीक्षा ये नहीं है रियलाइजेशन कहाँ मिलेगा मैं जानता हूँ आपका बैंक में बहुत टप रुपया है मेरा कुछ नहीं है मेरा अकाउंट भी नहीं है मैं जानता हूँ आपका पैसा का बल है बट रियलाइजेशन कहाँ से मिलेगा आप जो गुरु वैष्णव को अपमान कर रहे हो धोखाबाजी कर रहे हो इल्जाम लगा रहे हो झूठा इल्जाम लगा रहे हो तो जिंदगी भर आपको भक्ति कैसे मिलेगा दुनिया भर का आदमी कहे महाराज गुरु जी का सेवक है गुरु जी बहुत प्यार करता था हाँ मैं जानता हूँ गुरु जी तो एक कुत्ता को भी प्यार करता है तो क्या हुआ गुरु जी एक कुत्ता को भी प्यार करता है इसका दर्शन ही ऐसा है गौ माता का बछड़ा खैर छोड़ो महाराज जी पौपात का चरण में आए 1926 और पोपा जी ने पहले भी आया था बट टोटली डेडिकेटेड हुआ मैंने सब छोड़कर पोपा जी का चैतन्य मठ का सेवा में चैतन्य मठ का सेवा में आया है हर वक्त हम लोग परम केशव कशी महाराज श्रीधर महाराज गुरु परंपरा में मैं भी हर वक्त चैतन्य मठ का सेवा में लगा हुआ हूँ अगर कहो कैसे चेतना का सेवा चैतन्य मठ का सेवा का लिए इतना गौड़िया मठ का प्रकाश का जरूरी हुआ चैतन्य मठ को प्रकाश कर लेके चैतन्य मठ आइडेंटिकल विद चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मठ का सेवा में अपने को समर्पित कर दिए प्रपात का चरण में दीक्षा हरिनाम हो गया आचरण बहुत फर्स्ट क्लास इतना हाई आचरण है जे पोपा देखने से समझ गया ये साधारण नहीं है ये कोई साधारण नहीं है मेरा पार्षद है पोपाज़ी जी इनके नाम रख दिया नयन अभिराम प्रभु पोपाज़ी जी इनके नाम रख दिया नयन अभिराम प्रभु नयना अभिराम प्रभु नयन अभिराम मतलब नयन अभिराम मतलब जिनको देखने से नयन का तृप्ति हो जाता है उत्सव हो जाता है दर्शनोत्सव जैसे आप लोग भंडारा खाते हैं ना पूरी कचोरी हम लोगों का दर्शन उत्सव हो जाता है बामन गुस्से आ दर्शन करे इसको इस सब साधु गुरु वैष्णव का दर्शन करे तो आँखों का उत्सव हो जाता है दर्शन उत्सव और महाराज जी को बहुत जल्दी पापा जी ने सन्यास दे दिया दो चार ऐसा है जैसे बन गोसाई महाराज बैखणुस गोसाई महाराज बन गोसाई महाराज बैखनु गोसाई महाराज ये हमारा भक्ति भी एक भारती महाराज दो चार अरण्य महाराज बहुत जल्दी सन्यास दे दिया हैरान करने वाला बात है हैरान करने वाला हो जल्दी दे दिया, क्यों पापा जी का दर्शन इतना क्लियर है शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ धोखाबाजी मत करो जल के खाघ हो जाओगे इसमें विनती है आप लोगों का चरण में कभी भी शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ धोखाबाजी मत करो चलाकी मत करो ये लोग किसी को देखता है ना हर वगैरह समझ जाता है किसका हृदय में क्या है संन्नास लेने का बाद इतना मैसिव प्रीचिंग शुरू की पौपात का आदेश से बांग्लादेश में इधर उधर तमाम जगह प्रचार करना शुरू कर दिया है आह इतना अनोखा प्रचार ये कहने का लायक कहाँ तक कहे डिफरेंट रीजन रीजन अलग अलग रीजन में प्रचार की और इनके प्रचार का स्पेशलिटी मैं बताना चाहूं अगर महाराज जी कोई प्रवचन ना करे कि सामने बैठे रहे अगर महाराज जी यूं यू समझो कि महाराज प्रवचन नहीं कर रहे सिर्फ बैठे रहे बैठे बैठे प्रचार कर देगा वट यू से यस ये सिद्धांत तो विचार है आचरणशील साधु का आचरण का इतना प्रभाव है जे अगर दो शब्दों नहीं भी कहे फिर भी इनके आचरण जो है आप लोगों का हृदय में एक प्रभाव फेंक सकता है आचरणशील साधु ज़्यादा बताते नहीं बचा बताते नहीं हुए बताते नहीं हुए बहुत कुछ कर सकता है आचरण से साधु का आचरण का इतना प्रभाव है कहां तक कहे महाराज जी का मनोभिष्ट पूर्ति करने के लिए ढाका में मठ करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं और आप लोग जानते ही हो शाहजिया कितना उठपटांग करते रहते हैं ये शाहजिया लोग जो है ना कभी भी हरिकीर्तन हरिकथा वास्तव हरिकथा कीर्तन करने नहीं देंगे यहाँ तक कि मैं दुख की बात बताऊं अपना संप्रदाय में ज्यादा सहजिया पैदा हुआ वो लोग कहने नहीं देखे वो दुश्मन समझते हैं ये पोपात का बात कहते हैं अरे पोपात का बात कहते पोपात का बात कहा तो गौरी मठ मत मतलब पोपा पोपात का बात कहने से ही चिड़ जाता है जब ही पोपात का बात बताओ यूँ चिड़ जाए क्यों पोपात का बात बताए इन्होंने हमारा मठ का खिलाफ है कितना लड़ाई झगड़ा किया कितना जगह हरिकथा बंद हुआ फिर भी नित्यानंद प्रभु का कृपा से कोई किसी का बाप का हिम्मत नहीं हुआ आज तक कथा को बंद करे क्योंकि कथा नित्यानंद प्रभु का कृपा से चल रहा है कितना धक्का मुक्की हुआ कितना कुछ हुआ कुछ नहीं कर पाए महाराज जी का साथ जो शहजिया आदमी है बड़ा विरोध किया इनके कथा हनी नहीं चाहिए बंद करो इनके कथा बोले नहीं दो ये गोरियम वाले जाओ गोरियामठ नहीं बोलने देंगे क्योंकि हमारा मार्केट खराब हो रहा है महाराज जी का प्रवचन से हमारा इकोनॉमिकल मार्केट जो है खराब हो रहा है प्रतिष्ठा पैसा सब उसका मार्केट खराब हो रहा है इसलिए बोलने में ऐसा हालत पैदा हुआ आजकल हुआ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का माफिक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे हैं सबका जोन अलग अलग है ई e जोन बी जोन जी जोन अगर एक जोन का अगर एक जोन का मेडिकल ऑफिसर दूसरे जोन में अब आप मेरा जोन में क्यों आया है हैरान करने वाला बात जलंधर में बुलाया है चंडीगढ़ में बुलाया है हमने अपने आप नहीं किया यहाँ तक कि ऑफिस से परमिशन लेके बुलाया है इसका बात भी जब वृंदावन में आया है मठ में है बोले आपने जलंधर क्यों गया हम हम आपको तो बुलाया गया बाप रे कितना गाली दिया क्यों गया आप जलंधर ये मेरा जो हम लोगों का जोन है आप लोगों का जोन लेकर रहो मैं कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं हूँ या अपना जोन लेके आपका साथ बहस करूं लेके रहो जाओ चूल्हे में जाए आपका जोन चूल्हे में जाए आपका जोन लेके रहो हमारा कोई दरकार नहीं हम किसी जगह जाता नहीं ऐसा हालत पैदा हो गया ये सहजिया लोग इतना उठ मचाए इतना बदमाशी शुरू किया कि गौरिया मठ का प्रचार बहुत मठ का प्रचार को हराम पाऊँ ना ऐसा हालत है इसी अवस्था में भी महाराज जी हाल छोड़ा नहीं तब की ज़माने में कोई माइक्रोफोन नहीं था तब की ज़माने में कोई रिकॉर्डर नहीं था तब की ज़माने में कोई इंटरनेट का व्यवस्था नहीं था फेसबुक का व्यवस्था नहीं कुछ नहीं था यूट्यूब का व्यवस्था नहीं था कुछ नहीं था लेकिन ये सब महापुरुष जी ने ये सब महामहापुरुष प्रचार करके दिखाया प्रचार करके देगा प्रचार किसको बोलता है प्रचार का मतलब है किपा का वितरण है प्रचार का मतलब एग्जीबिशन नहीं है कितना कृपा आपको मिला है जो आप प्रचार में जा रहे हो प्रचार का मतलब किपा का अहेतु की कृपा वितरण करना प्रचार का मतलब कोई नाटकबाजी नहीं है ढाका शहर का कॉरपोरेशन जो है कॉरपोरेशन का मैदान में महाराज जी बैठ के चैतन्य भागवत पाठ करे कोई बैसासन नहीं है मेरा माफी हम हमको रोना आ जाता है इतना बड़ा बड़ा महापुरुष लोग का कुछ नहीं मिला मेरा जैसा गिरा हुआ इंसान के लिए सब कुछ व्यवस्था ठाकुर जी कर दी ये ठाकुर जी का व्यवस्था है अब तो क्या करें मैदान में बैठ के हरी कथा बोल रहा है कोई माइक नहीं है और जो वॉयस है चैतन्य भागवत पाठ कर रहे हैं एक एक चैतन्य भागवत का एक लाइन पाठ करे, लगता है कि वो मेरा हृदय को खींच कर ले जा रहा है जो श्रोता है ना बैठा हुआ है मैदान में ये लोग अनुभव कर रहे हैं कि जैसे कि हृदय को खींच के ले जा रहा है रोना आ जाए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो महापुरुषों का हरिका था महापुरुष को महापुरुषों का साथ जो परिक्रमा में जाना ये जो इलेवेंथ ग्यारह तारीख को इंट्रोडक्टरी स्पीच होगा अधिवास तिथि इस दिन हम चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज का चर्चा आगे बढ़ा है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगी महाराज जी का साथ चैलेंज किया महाराज जी को हरी कथा नहीं बोल देंगे दें। शांतिपुर से मैं मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अपमान करने नहीं बैठे एक फेमस भागवत स्पीकर एक फेमस भागवत स्पीकर पंडित इनको बुलाया बहुत बड़ा पेमेंट दिया पहले महाराज जी कथा बंद कर देंगे शांतिपुर से बुलाए हैं एक बड़ा साधु साधु तो नहीं है लेक्चरर भाषण देने वो हरी कथा के लिए सारे प्रचार कर दिया गया भारती महाराज अपना नियम नीति का अनुसार कॉरपोरेशन मार्ट में बैठा हुआ है ज़्यादातर आदमी वहाँ चला गया क्या करें भड़काव में आ गया वो आधार चला गया एक दिन भागवत कथा सुना है ये लोग मन ही मन ये लोग मन ही मन विचार करना शुरू कर दिया अरे महाराज ये हरिकथा सुन रहा हूँ लेकिन महाराज जी का जो हरिकथा है इसमें कितना अट्रैक्शन है रोना आ जाता है और काल से इधर नहीं आएंगे बस महाराज जी कॉरपोरेशन मार्ट में भगवत कथा बोले तमाम आदमी दौड़ दौड़ कर आ रहा है महाराज जी का हरिकथा सुनने के लिए हैरान की बात है महाराज जी कोई मिठाई नहीं बांट रहा है या कोई मिठाई बांट रहे ऐसा नहीं है हरिकथा का मिठाई तमाम दुनिया हजारों हजारों आदमी का दिल का परिवर्तन कर दिया आजकल का पिचिंग में कोई दिखाओ आजकल का में दिखाओ कैन यू चेंज द हार्ट ऑफ सम बॉन्डेड सो दिखाओ दुनिया भर का प्रचार करने करने गए फॉरेन फॉरेन इधर उधर हॉरेन फॉरेन सब करके आए अपना दिल का तरक्की नहीं हो पाए गिर गया दूसरे का क्या प्रचार करे मानी 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 स्वीटर द नहानी यही पूजा है मेरा यही पाठ है यही पूजा है यही मेरा मकसद है यही मेरा आइडियलिज्म सब कुछ है मानी रुपया ले लो राम नाम जपना और पराया अपना यही करो और क्या महाराज जी का प्रचार के द्वारा हजारों हजारों आदमी का परिवर्तन हो गया कितना सारे व्यक्ति को महाराज जी पौपात का चरण में लाए प्रचार तो वो है ध्यान देकर सुनना ध्यान देकर सुनना इस बात पर ध्यान दे हम अगर प्रचार करने बैठे हैं तो हमारा अटेंशन क्या होनी चाहिए ये हरी कथा बोल के हमारा गुरुवर्गो और प्रपात का चरण में ये लोगों का आकर्षण करा दे आई बात समझ में प्रचार का क्या मकसद है अगर मैं प्रचार बहुत किया टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ अपने को प्रकाशित करने के लिए अपना प्रचार अपना प्रसार अपना प्रतिष्ठा कर लिए कभी गुरुवर्गो का प्रतिष्ठा दिया नहीं प्रचार में जाओ हरी कथा बोलने जाओ तो क्या मकसद होनी चाहिए एक-एक शब्द बताओ पीपल कैन फील अट्रैक्शन फॉर अ गुरुवर्ग पीपल कैन फील अट्रैक्शन फॉर पोपाद पोपा ठाकुर गुरुवर्ग अगर हमारा परंपरा का ऊपर आस्था टूट गया तो यू समझो कि संप्रदाय सर्वनाश हो जाएगा अगर संप्रदाय का ऊपर आस्था मेरा टूट गया तो बचा क्या है कुछ नहीं है देखो कितना विदेशी मल्ले लोगों ने भारत का ऊपर आक्रमण किया किया कि नहीं लेकिन सनातन धर्मों का ऊपर आक्रमण किया हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ पाए कुछ नहीं बिगड़ पाए हमारा सनातन धर्म का जो ग्लोरीज है जो सम्मान है मेरा हृदय में मौजूद है मिस और बेबिलियन ये सब जगह का जो सिविलाइजेशन है टोटल डिस्ट्रॉयड क्यों इन लोगों इन लोगों ने अपना परंपरा मतलब भागवत परंपरा नहीं है लोगों का वो जो आज सामाजिक परंपरा के ऊपर आस्था टूट गया तो इसका सिविलाइजेशन पानी में चला गया एक उदाहरण दे दिया हर वक़्त परंपरा का ऊपर भरोसा रखो हर वक़्त परंपरा के ऊपर भरोसा रखो हर वक्त गुरुवर्गों को ऊपर आस्था रखो गुरु वर्ग गुरुवर्गों के साथ हिंसा मत करो महाराज जी ने प्रचार करके दिखाया हर वक्त पपात का चरण में लाया अंतिम में कोई जगह नहीं मिल रहा है गौड़ी मठ बनाने के लिए ढाका गौड़ी मठ अंतिम में कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है एक मौलवी साहेब एक मौलवी साहेब ढाका कॉरपोरेशन का चेयरमैन है इनके साथ महाराज जानचिन है बातें करते हैं कभी कभी अपना इच्छा का बारे में बताए मौलवी साहेब ने बताया देखो दूसरा कोई जमीन तो है नहीं ढाका में मंदिर करने का लायक है इधर उधर आजू बाजू में लेकिन मेन जगह पे तो कुछ है नहीं मौलवी साहब ने चिंता किया चलो ठीक है आप तो चैतन्य महाप्र गौरांग महाप्रु का बारे में कर रहे हो ना तो मुसलमान लोग भी चैतन्य महाप्रभ का कृपा मिला है तो चलो हम एक काम कर दें एक मीटिंग बुलाए इन्होंने दिखा दिया हमारा कॉर्पोरेशन का जो फंड है बड़ा इतना मिनिमम गिर गया हमारा बहुत सारे सेवा है वी नीड फंड और हमारा जितना ज़मीन है उतना जमीन जरूरी है नहीं आगे पचास सालों में कोई इतना ज़मीन का ज़रूरी है नहीं क्या करे तो ये ज़मीन बिक्री करना चाहूं अगर कोई खरीदे इच्छा करके एक नोटिस एक रेजोल्यूशन पास कर दिया मीटिंग बुलाए मीटिंग में मुसलमान आदमी लोग मौलवी साहब का फेवर में बता ठीक है इनको दे दो मंदिर करें लेकिन हिंदू लोग अपोज किया भी साहब ने बोला देखो एक महापुरुष ये सब यह मंदिर करना चाहता है आप लोगों का ही तो मंदिर है गौरंग महापुर तो आप लोग क्यों अपोस बाधा क्यों डाल रहे अंतिम में, में जमीन एक्वार हुआ सब कुछ हुआ मंदिर बन गया माध्यो गौरियमठ माध। पोपाजी आनंद से उछल परे क्योंकि बांग्लादेश का आदमी अभी भी जो कुछ भी है मैं मानता हूं हंड्रेड परसेंट में अभी एट परसेंट भी हिंदू नहीं है एट परसेंट फिर भी जो कुछ भी बचा खुचा है जो कुछ भी बचा खुचा है दे आर ऑलवेज इन प्रेशर ये लोग हर वक्त एक प्रेशर में रहता है ये कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता मुसीबत आ सकता इसीलिए भगवान का साथ हर वक्त का थोड़ा बहुत ये लोगों का थोड़ा बहुत रिश्ता है बांग्लादेश का आदमी यहां का आदमी तो पखंडी हो गया ज्यादातर ऐसा करके महाराज जी ने माध्य मठ का स्थापना के लिए अपना इतना बड़ा योगदान किया कि मैं क्या कहूं महाराज जी का जिंदगी में एक दफे ऐसा हुआ चैतन्यमाट में हरिकथा चल रहा है पौपात का आदेश पौपात का आदेश है चैतन्यमाट में जो सीनियर है इनके ऊपर पोपात का आदेश है आपको हरिकथा बोलना पड़ेगा आ सीरीज ऑफ हरिकथा गोइंग ऑन ठाकुर जी का क्या खेल है अपना पूर्वाश्रम से पूर्वाश्रम महाराज जी का पूर्वा पूर्वाश्रम से अपना मैया अपना बीबी हरिकथा सुनने आई है हैरान करने वाला बात है महाराज जी कथा बोल रहे हैं उनका ही बीबी और माता जी आ गया हरिकथा सुनने भक्तों लोग मंदिर का जो भक्तों लोग है वो तो सोच में पड़ गया ना कोई इमेश, इमोशन में आके कुछ हो ना जाए कुछ इमोशन में आके कुछ ना हो जाए ऐसा ना कुछ हो जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हो पाया महाराज जी अपना माता जी अपना बीवी पूर्वाश्रम का बीवी अभी तो संन्यास है और इतना भक्तों का सामने आग जैसा हरी कथा बताए सब लोगों का जिंदगी महाराज जी का योगदान का बारे में क्या बताऊं बहुत सारे चीज है बोलने के लिए आप लोग समय नहीं देते हम क्या करें उपाय भी नहीं मेरा पा समय लिमिटेड है महाराज जी ने कुछ बिहार का रानी रानी साहिबा कुछ बिहार का राजा मर गया रानी विधवा है एक दफे रानी का पास गए प्रभावशाली प्रभाव नहीं इनके पास जाके कोई बात नहीं कर सकता इतना इन्फ्लुएंस है जैसे हमारा रानी रासमनी है ना हाँ रानी साहबा का पहुंचे रानी साहिबा ने सोची कि पैसा लेने के लिए आया होगा भिक्षा करने के लिए और पैसा कल लेकर आए डोनेशन देने के लिए महाराज जी चिल्ला कर बोला चिल्ला कर बताए तुम्हारा पास पैसा लेने के लिए नहीं आए तुम गिरे हुए इंसान तुम तुम गिरा हुआ है तुमको बचाने के लिए आया है तुम्हारा तुम्हारी जो हालत है ये देख के मैं आया हूं रानी साहबा ने कह दी कि महाराज आज तक मेरा आंखें बंद था किसी ने बोला नहीं सब ऑयलिंग करके मेरा पास पैसा लेता है एक आप ही है आपका चरण में मेरा मस्तक बिक्री कर दिया उड़ीसा का एक स्टेट का रानी मां महाराज जी को डोनेशन दिया लैंड बहुत सारे घटना है मैं काट शॉट कर रहा हूं बहुत सारे घटना है पापा जाने का बाद महाराज जी ने फासला कर लिया ये सब लपड़ा में नहीं फासना है तो महाराज जी भजन करने के लिए पुरुषोत्तम नाम चले गए पूरी चले गए हरिदास ठाकुर का सामने एक जगह है वहाँ बाद में वहाँ मंदिर बनाया बहुत सारे घटना है बोलने का लिए टाइम नहीं है कैलकाटा में एक मंदिर खोला कई बार मैंने गया कई बार मैंने गया जाने का कारण है क्योंकि महाराज जी पोपात का जो अंतिम इच्छा जे वेदांतों का भाष्यों का बलदेव विद्याभूषण का इसका ऊपर क्यों खुलासा सुंदर व्याख्या हो जाए बांग्ला भाषा में पापा जी कर नहीं पाए उपनिषद का वेदांतों का कुछ नहीं हो पाए सिद्धांति महाराज और भक्ति विवेक भारती महाराज दोनों मिलकर किया है खैर छोड़ो आज ज़्यादा बताने का टाइम भी नहीं जो श्लोक हमने शुरुआत किया ये भी बोलने का टाइम नहीं है क्या करूं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा जश शास्त्री भक्ति भगवती अकिना सर्वगुण शत्रु क्षमा सते सुहा हरु अभक्त शकुतो महद गुना मनोरथिन असतो धवतो वही महाराज जी का अंदर में वैष्णव गुणों का खजाना है महाराज जी का जिंदगी में वैष्णव गुणों का खजाना है एक अवैष्णव का अंदर में ऐसा गुण कहाँ से मिलेगा कहाँ से ज्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिना सर्वगुणस्तमा हरो अवक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन असतो धवतो वही वाछकल्पतुर्वश के न पतितानं पतितान पापन वैष्णभ्यो नमो जयशिला भक्तिविला भक्ति विवेक भक्ति भारतीय महाराज की जय हो इनकी आविर्भाव तिथि पड़ा माओ गौर बताओ बताओ कितन करो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को इस सुंदर कथा कृपा जी के गण के बारे में आज हम सबको श्रवण करवाए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी जैसा हमारा प्रैक्टिस है अगर कुछ भक्तों का कोई प्रश्न हो तो भक्त लोग अनम्यूट करिए बोलो आपको... क्या प्रश्न है बेटा प्रश्न है प्रभु जी हाथ उठाइए वीडियो ऑन करके भी आप सकते हैं आपको अनम्यूट किया जाएगा बताओ एनी क्वेश्चन नो नो क्वेश्चन महाराज महाराज ठीक है मुझे लगता है ओम प्रकाश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे क्या आ, बोलो ओम प्रकाश जी बताओ ये मेरा गुरु भाई गुरु भाई ओम प्रकाश है आहा, हा, हा। आहा, हा, गुरु भाई धन्यवाद आपकी चरण में नहीं महाराज धन्यवाद महाराज हाँ हाँ धन्यवाद महाराज हाँ धन्यवाद ठीक है कोई प्रश्न नहीं है एक प्रश्न मेरा तरफ से है हाँ, हाँ, बताओ मैं राजा बोल रहा हूँ आसाम से हाँ। आज आपका ये अप्रकृत कथा हम लोग को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया जैसे हाँ। आपने बोल दिया कि दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण हाँ। मतलब पहला बात है कि ये हमारा जो कॉन्स्टेंट चीटिंग प्रोपेंसिटी है टू चीट नॉट बाय सिंग टू गुरु महाराज नॉट बाई सोल तो उसमें कहते कि आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं एक में मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है ये जो आपने बोला कि भगवान मुखी स्वीकृति और भक्ति मुखी सुकृति ये दोनों में अंतर क्या है भगवान मुखी सुकृति है गुरु वैष्णव का सामने आया गुरु वैष्णव को भोग करने के लिए कुछ कर दिया आशा रखे भगवान मुखी सुकृति क्या है मैंने गुरु वैष्णव का सेवा किया उसके लिए कुछ रिटर्न मिलेगा रिटर्न किस फॉर्म में आएगा इन द फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट कुछ पैसा आएगा ये आएगा ये भोगोन्मुखी सुकृति अगर मंदिर में कपट भाव नहीं है कुछ कर दिया गुरु वैष्णव अंतर से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया थोड़ा बहुत कर दिया लेकिन अंतर से ये भोगोन्मुखी सुकृति नहीं देगा ये भक्तिन्मुखी सुकृति देगा ये डिपेंड करता है कौन क्या मांगने जा रहा है विच विच विथ विच, विच, विच मूड किस मूड के द्वारा किस मूड से प्रेरित होकर जा रहा है ये इसका डिफरेंस है और कुछ नहीं है जो भी है खैर चलो थोड़ा बहुत दो कीर्तन कर धन्यवाद